नमस्कार, द ग्राउंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। लगता है चुनाव आने वाले हैं, नई नई घोषणाएं होने वाले हैं, नए नए अभियान शुरू होने वाले हैं। ये जो लाइन है फिलहाल हमारे वर्तमान में देश में चल रहे राजनीति पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्योंकि हर पार्टी अपनी तरफ से अपने स्तर से तरह तरह के अभियान और घोषणा जो है किए जा रहे हैं। फिलहाल आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की तरफ से परिवार जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। फिलहाल इस अभियान के तहत क्या कुछ खास है, जनता को इसका कितना फायदा है, इन तमाम चीजों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे मौजूद है। सबसे पहले आपको रूबरू करवा देते हैं गेस्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारिका। डॉक्टर सारिका, आप जो हैं डॉक्टर विंग से प्रदेश अध्यक्ष हैं आपकी। इसके अलावा हमारे साथ धनराज बंसल जी मौजूद हैं। धनराज बंसल जी, आप इंटेलेक्चुअल विंग से प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले रुक करती हूँ मैं डॉक्टर सारिका का। डॉक्टर सारिका, आपसे ही मैं ये समझना चाहूँगी कि आखिर परिवार जोड़ो अभियान जो है क्या? अभी संदीप पाठक जी ने दो दिन पहले ये शुरू करा, हमें ट्रेनिंग दी थी पर्सनली, और अरविंद जी ने भिवानी में कुछ दिन पहले जब हमें शपथ ग्रहण समारोह किया था वहाँ उन्होंने कहा था कि कल से हम परिवार जोड़ो अभियान शुरू करेंगे। उसी की ट्रेनिंग संदीप पाठक ने हमें बुला कर दी और अब हम लोग घर घर जा रहे हैं। हर घर तक हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर वो उनके परिवार वालों से उनकी बात भी सुनेंगे, उनसे रूबरू कराएंगे कि दिल्ली और पंजाब सरकार क्या क्या काम कर रही है और वहीं क्या उसके कंपैरिजन में हरियाणा की सरकार क्या काम नहीं कर रही है, और जो टैक्स पेयर होने के नाते उनका फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और किस तरह उनको हम परिवार से अपने परिवार से जोड़ रहे हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर ले रहे हैं, और अगर वो कार्यकर्ता बन के अपना समय देना चाहते हैं तो उनके नाम नंबर भी ले रहे हैं। और हर वार्ड में हम इवेंचुअली, एक महीने का ये कार्यक्रम है जो हर वार्ड में चलाया जाएगा, और इवेंचुअली हमारा ये एम है कि हर वार्ड में 21 लोगों की टीम का गठन हो, और जहाँ गांव है वहाँ हर गांव में 21 लोगों की टीम का गठन हो रहा है, और ताकि परिवार हमारा बढ़े और आम आदमी पार्टी का परिवार जो अब 4000 प्लस कार्यकर्ताओं का है अब वो लाखों की उसमें नंबर्स में जाए। यानी जो नेतागण आप अभी हमारे साथ मौजूद देख रहे हैं ये अब आपको कुछ ही दिनों बाद जो है आपके खुद के घर में दिखेंगे। हाँ, धनराज बंसल जी। जी, सर्वप्रथम द ग्राउंड न्यूज के सभी दर्शकों मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी ने आदेश दिया है, पार्टी ने निर्देश दिया है कि हम अपने क्षेत्र में घर घर जाएं, परिवार परिवार से जुड़ें, और लोगों की इससे ना केवल हम अपना मैसेज दे पाएंगे, ना केवल हम उन्हें अपनी दिल्ली और पंजाब की उपलब्धियां बता पाएंगे, बल्कि हमें एक मौका मिलेगा कि हम उनकी समस्याओं को भी समझ पाएं। आज गुड़गांव में या पूरे हरियाणा में बात करें तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, ढेरों समस्याएँ हैं। कोई PPP फैमिली परिवार पहचान पत्र में फंसा हुआ है, कोई किसी चीज़ में, हर आदमी तंग है इस सरकार से। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है कि हम अपनी बात को उनके सामने रख पाएँ, और ये टू वे कम्युनिकेशन, एक तरफा कम्युनिकेशन नहीं है। मेरा हमेशा से जोर रहा है कि कम्युनिकेशन जो है दोनों तरफ से होना चाहिए, हम उनकी समस्याओं को भी समझ पाएँ, और जहाँ पर समस्याएँ हैं केवल समझना नहीं, हमारी कोशिश रहती कि हम उनके समाधान, हालाँकि अब आज हम सत्ता में नहीं हैं, हमारी कलम में वो पावर नहीं है कि हम उनके समाधान पूरा 100% कर दें, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हम उनकी समस्याओं को समझें, सोशल मीडिया के माध्यम से या मुख्यमंत्री जी को या संबंधित अधिकारीगण को पत्र लिखकर हम उनके समाधान करवाने की कोशिश करते हैं। तो अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, उनकी समस्याओं को समझना, ये है। जैसे अभी डॉक्टर सारिका जी ने बताया कि 4000 परिवार पदाधिकारी हमारे घोषित हो चुके हैं, और इन 4000 को लेके हमारा टारगेट है कि हरियाणा में 2.5 लाख से अधिक हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता पदाधिकारी हों। उसके लिए प्रोसेस चल रहा है, और ये पहले हमने बिजली आंदोलन चलाया, अभियान चलाया, अब परिवार जोड़ो अभियान है। इन सब के थ्रू ही हमारा संगठन का निर्माण होगा। आप देखेंगे, आप तो पाएंगे कि दूसरी तरफ दूसरी पार्टियाँ हैं। कांग्रेस पार्टी 9 साल से अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई, वो आपस में लड़ते रहते हैं। जो लोग अपना संगठन नहीं बना पाए, जो अपने परिवार में ही लड़ते रहते हैं, तो वो प्रदेश का क्या भला करेंगे। दूसरी तरफ हमने एक बहुत अल्प काम काल में पूरा संगठन खड़ा करने का काम किया है, थोड़े से टाइम में हमारी पार्टी छोटी सी पार्टी से लेकर राष्ट्रीय पार्टी तक पहुंची। अच्छा, देखिए डॉक्टर सारिका जी, चूंकि धनराज बंसल जी जो है समस्याओं को लेकर बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे अगर ये पूछूं
हरियाणा और पंजाब एक तरफ, माफी चाहेंगे, पंजाब और दिल्ली एक तरफ और हरियाणा एक तरफ, अगर तुलना की जाए तो विकास के मामले में आप कितना फर्क पाती हैं दोनों स्टेट? आज हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल से अच्छे हो गए हैं। मैं पर्सनली कई लोगों को मिली हूँ जो गुड़गांव में दुकान करते हैं, जो खुद कहते हैं कि हमारे बच्चे तो हमने प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डाल दिए हैं। सरकारी स्कूल ना केवल सिर्फ स्ट्रक्चर उनका अच्छा हुआ है, वहाँ के पास परसेंटेज रेट बढ़ा है, 600 से अधिक बच्चों ने नीट के एंट्रेंस में डॉक्टर बनने के लिए सरकारी स्कूल से आ गए हैं, 100 से अधिक बच्चों ने IIT में प्रवेश लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि एजुकेशन पे इतना ज़्यादा काम हुआ है दिल्ली में। और कल ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहला स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वहाँ पे इनॉग्रेट कर दिया वहाँ, जबकि हमारी 1.5 साल की सरकार है। दोनों जगह दिल्ली और पंजाब में 500 से अधिक मोहल्ला क्लिनिक बन गए हैं। दिल्ली में अगर आपको कोई भी टेस्ट कराना है, कोई भी सर्जरी कराना है, कोई भी दवाई आपको सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है, अगर आपका कोई सर्जरी होना है और आपको सरकारी अस्पताल में डेट 1 महीने से ज़्यादा मिलती है तो आप प्राइवेट अस्पताल में करवा के उसका बिल सरकार पे करती है। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, चाहे वो कहीं का भी रेजिडेंट हो, अगर दिल्ली में उनका एक्सीडेंट होता है तो उनको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए, उनका पूरा खर्च जो है दिल्ली सरकार देती है। तो ये मूलभूत सुविधाएँ, शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम जो काम कर रहे हैं वो हरियाणा में दोनों ही लैकिंग है। आज हम सेक्टर 15 में बैठे हुए, यहाँ का जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे आज भी बच्चे ज़मीन पे बैठ के, टाट पे बैठ के पढ़ रहे हैं। गुड़गांव जैसे मिलेनियम शहर में भी टेबल और चेयर देने का हरियाणा सरकार ने काम नहीं किया। 10,000 से अधिक सरकारी स्कूल खट्टर सरकार ने पिछले 9 साल में बंद किए हैं किसी भी वजह से, कहीं कह के कि 25 से कम बच्चे हैं इस वजह से, कहीं कह के कि 2 स्कूल पास पास में हैं इस वजह से, हर रैंडम चीज़ पे ये सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। बाद में ये सरकारी टीचर्स को भी निकाल देंगे। और जब पूरी तरह, आपको ये शिक्षा की योजना तो पता ही होगी, जो प्राइवेट स्कूल में जाना चाहता है उसको सरकार 1,000 रुपये दे रही है और जो सरकारी स्कूल में डाल रहा है उस गरीब आदमी को भी 500 रुपये हर महीने अब बच्चे को के लिए देने पड़ रहे हैं। तो ये जो सरकारी एजुकेशन जो का जो बेड़ा गर्क हरियाणा सरकार कर रही है वो सबके सामने दिखता है। दूसरी बात करें हेल्थ की, तो इन्होंने जो चिरायु योजना निकाली है कि 1.8 लाख रुपीज़ से कम जो इस परिवार का आमदन है वो इनको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगे। आज आप मुझे बता दीजिए कौन सा परिवार है जो 15,000 रुपये महीने पे अपना घर चला पा रहा है। आदमी और महिला मिल के घर चलाते हैं, मिनिमम वेज 10,000 है तो 20,000 रुपये कमाएंगे तो उनको चिरायु योजना से निकाल दिया जाता है। गुड़गांव में जो हमारा हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल, उसकी दशा सबको पता है, 4 साल से टूटा हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे कुछ है नहीं। अगर किसी को भी टेस्ट करवाना हो, किसी को भी ऑपरेशन कराना हो, अपनी जेब से ही पैसे लगते हैं। हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, हमारा फोकस है हेल्थ और एजुकेशन। इसके अलावा आपको पता है बिजली आंदोलन हमने पिछले महीने किया था। बिजली आंदोलन में हमने दिल्ली के जितने भी घर हैं जहाँ पे लाखों घर हैं जहाँ पे 0 बिल आ रहा है वो बिल हमने जनता को दिखाए। पंजाब में 67 लाख घरों में 0 बिल आ रहा है 300 यूनिट से कम यूज़ करने पर, वो हमने जनता को दिखाए। हरियाणा सरकार कहते हैं कि हम कुछ भी फ्री नहीं दे रहे, ना हम बिजली दे रहे हैं, ना आप शिक्षा दे रहे हैं, ना आप स्वास्थ्य दे रहे हैं, ना आप कोई सब्सिडी दे रहे हैं। अब आपने परिवार पहचान पत्र के तहत आपने राशन भी बंद करा दिए, फिर भी आप 55,000 करोड़ के घाटे में हैं। दिल्ली सरकार सब कुछ फ्री दे रही है, बस भी सर्विस फ्री दे रही है महिलाओं को, 12,000 करोड़ सब्सिडी देने के बाद कैग रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली सरकार इकलौती सरकार है जो मुनाफे में चल रही है। तो ये देखना पड़ेगा कि हरियाणा सरकार कुछ फ्री नहीं दे रही है फिर भी वो घाटे में चल रही है, दिल्ली सरकार इतना कुछ की सब्सिडी देने के बाद भी मुनाफे में चल रही है। ईमानदार सरकार जो जनता के लिए काम करना चाहे तो बदलाव ऐसे ही आता है, यही मैसेज हम हर घर में पहुंचा रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। ठीक है, एक समस्या और है, हालांकि सरकार इससे निपटने की लगातार कोशिश कर रही है। धनराज बंसल जी, आपसे मेरा सवाल होगा, प्रदूषण जो है दिल्ली में, बात करें प्रदूषण के, अभी ठंड का मौसम आने वाला है, प्रदूषण फिर से बढ़ेगा, हालांकि इसको लेकर सरकार जो है काम कर रही है। और दूसरी तरफ बात करें पराली जलाने की, तो हरियाणा के अलावा पंजाब में भी जो है सबसे ज़्यादा पराली जलाया जाता है, तो आपकी सरकार जो है इसको लेकर क्या कर रही है दोनों स्टेट में? देखिए, प्रदूषण के मामले में दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। मुख्यमंत्री जी ने इसका एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया और उन्होंने क्रियान्वित किया और आप पाएंगे कि उसके रिजल्ट हमें पिछले 2-2.5 साल में मिले। जो पॉल्यूशन का लेवल पहले होता था या जो पराली जलाने की समस्या और जो चीज़ें होती थी, AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना बुरा पहले हो जाता था
उतना अब नहीं होता, दो ढाई साल में, पिछले कम से कम दो ढाई तीन साल में बहुत अच्छे परिणाम इसके मिले हैं, ठीक है। और पंजाब सरकार भी किसानों को पराली ना जाने जलाने के लिए इंसेंटिव दे रही है, वहाँ पे पराली जलाने की समस्याएं कम हुई है। इस सरकार को बने हुए, पंजाब में हमारी सरकार को आए हुए एक साल डेढ़ साल ही हुआ है, आने वाले समय में इस डायरेक्शन में और स्टेप उठाए जाएंगे और बेहतर परिणाम मिलेंगे। ठीक है, अच्छा पराली से जो है किसान, मुझे याद आए किसानों की बात करें तो डॉक्टर सारिका जी, अभी एक महीने भी नहीं बीते, 21 अगस्त की बात है, जो पंजाब के किसान थे वो कर रहे थे हंगामा, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग थी बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए वो पैसे की डिमांड करते, मुआवजे की मांग कर रहे थे। इस दौरान जो है झड़प में एक किसान की मौत भी हुई थी, हालांकि बाद में मुआवजे के लिए सरकार मान तो गई थी लेकिन किसान की मौत भी हुई थी, तो ये नौबत क्यों आई? आप ये देखना पड़ेगा कि एक तरफ तो आप एक किसान की डेथ हुई जिसके ऊपर सरकार ने पूरी तरह किसानों का साथ दिया, उनके साथ बैठ के बात की और उनको रिजॉल्व किया, दूसरी तरफ हरियाणा के किसान हैं जो अपनी मांग मांगते रहते हैं, यहाँ के सरपंच हैं जिनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, उनके माथे फोड़े जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हरियाणा सरकार वो सरकार है जब किसान आ रहे थे दिल्ली की तरफ तो उन्होंने उनके लिए पूरे रोड, अपनी ही सड़क खुदवा दी थी, अपने ही सड़क पे बार्ड वायर लगा दी थी, अपने ही लोगों को ठंडे पानी के कैनन मारे गए थे, अपने ही लोगों को वो लाठियां बरसाते हैं। तो इसका जवाब हरियाणा के किसान ज़रूर देंगे और हरियाणा सरकार को इसका मुआवजा, मतलब पॉलिटिकल मुआवजा देना पड़ेगा। अच्छा, किसानों की बात उठी है तो इस मुद्दे पर मैं चुप नहीं रह सकता, ये दिस इश्यू इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि किसान की मौत हुई, अनफॉर्चुनेट हुई, हमें उसका खेद है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ग्राउंड पे थे जब बाढ़ आई, जब भगवंत मान जी ने, उन्होंने ये नहीं देखा कि कीचड़ है क्या है, वो ग्राउंड पे थे, जनता के बीच में थे। दूसरी तरफ खट्टर साहब वो हेलीकॉप्टर से सर्वे कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे, उन्होंने किसी के दर्द में मरहम लगाने का काम नहीं किया, ठीक है। पंजाब सरकार ने बहुत जल्दी किसानों को मुआवजा दिया, उनके वो मरहम लगाई, उनको पूरा एक परिवार के सदस्य के तरीके से उनको ट्रीट किया और उनको मदद दी। दूसरी तरफ आप, मैं एक ही मुद्दा बहुत बार कहता हूँ और हर बार हर डिबेट में ये कहता रहूँगा, हरियाणा के किसानों से इन्होंने एक वायदा किया था, जिन किसानों की जमीन 5 एकड़ से कम है ऐसे 14 लाख किसानों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, लिखित में, संकल्प पत्र में वायदा किया था। अगर वो वायदा निभाते तो प्रदेश के किसानों को 3,000 रुपये महीना, ऐसे 14 लाख किसानों को 420 करोड़ रुपये हर महीने, 5 साल में 25,200 करोड़ रुपये मिलने थे। एक वायदा खिलाफी के कारण प्रदेश के किसानों को 25,200 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ। अगर वो वायदा निभाते तो प्रदेश के किसानों को खुशहाली होती। इन्होंने किसानों का कहा कि 2022 तक इनकम दुगनी करेंगे, वो नहीं हुआ। प्रदेश के किसानों के मामले में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे, अपने लोगों को बड़ा नेता बनने का प्रशिक्षण दे रहे थे और कह रहे थे कि लाठियां उठाओ, आप किसानों के सिर फोड़ो। बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट थी उनकी। वो उकसा रहे थे, वो कह रहे थे कि हो सकता है इसमें आपको कुछ दिन जेल जाने पड़ जाए, लेकिन बड़ा नेता बनने का फॉर्मूला वो बता रहे थे। तो दूसरी तरफ भाजपा के ही अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो कहते थे कि इस टाइप की या तो खरीद फरोख्त या सिद्धांतों से हटके जो राजनीति करें उसको मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो कभी होता था कि भाजपा में भी सिद्धांतवादी राजनीति करते थे, लेकिन इन्होंने सारे सिद्धांत भूल गए हैं। किसानों के को मरवाने की इन्होंने साजिश की है और प्रदेश के लोग उसका जवाब देंगे खट्टर साहब। और एक और बात बता दूं, किसानों ने जब मांगा था कि हमें 8 घंटे बिजली दे दो ताकि हम पैडी का जो इरिगेशन कर सकें, तो खट्टर साहब ने टेबल पीट पीट के कहा था नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, जबकि उसी समय भगवंत मान की सरकार 12 से 13 घंटे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दे रही है और वहाँ पे फार्मर्स को फ्री सब्सिडी मिल रही है बिजली के मामले में। तो हरियाणा और पंजाब में किसानों को इतना ज़्यादा फर्क दिख रहा है कि सब लोग कह रहे हैं भाई पंजाब सरकार यहाँ पे भी आ जाए ताकि हमारा भी भला हो जाए। यानी हरियाणा और पंजाब के किसानों की बात करें तो पंजाब के जो किसान हैं उन्हें ज़्यादा सुविधा मुहैया कराई जा रही है सरकार की तरफ से, आपका ये कहना है। अच्छा, किसान की बात जो है, महिलाओं की सुविधा, आप मैंने महिलाओं की सुविधा की बात की डॉक्टर सारिका, आपने बताया कि दिल्ली में जो बसेस, बस की जो सफ़र है वो मुफ्त किए गए हैं महिलाओं के लिए, लेकिन सुविधा के साथ साथ सुरक्षा भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या दिल्ली में महिलाएँ सुरक्षित हैं आपके अकॉर्डिंग?
ऐसा है कि जो हमारी सरकार के हाथ में है वो हम कर रहे हैं। आपको पता है दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र के नीचे आती है, अमित शाह जी के अंडर डायरेक्ट आती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। उसके बावजूद दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा जो है पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इज मोर देन फ्रांस, मोर देन यूके, मोर देन सिटीज लाइक न्यूयॉर्क एज वेल। तो पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन की जैसी सिटीज़ में भी इतने सीसीटीवी कैमरा नहीं है जितने दिल्ली में है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे इंसिडेंट होते थे जैसे ईव टीजिंग या चेन स्नैचिंग, वो काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि हर इंसिडेंट जो है वो पकड़ा जाता है और इमिजिएटली उस पर कार्रवाई होती है। इसी तरह दो तीन जो बड़े डरावने इंसिडेंट जो पकड़े गए जिसकी वजह से अरेस्ट हो गया, एक तो जो बच्ची पे एसिड फेंका गया था विद इन 12 आवर्स, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज थी, दोनों लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया। इसी तरह एक 16-17 साल की लड़की थी जिसको चाकू मार के उसका मर्डर कर दिया गया था सड़क के बीच में, वो भी सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ, वो लड़का उसी दिन अरेस्ट कर दिया गया। तो महिलाओं की सुरक्षा जब हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे, यहाँ पे पुलिस भी हमारे अंडर होगी और यहाँ पे सीसीटीवी भी हम लगाएंगे, हम यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी देंगे ताकि महिला सुरक्षा इम्प्रूव हो सके। इस समय जो है महिलाओं के प्रति जो गुड़गांव और हरियाणा में क्राइम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यहाँ किडनैपिंग हो रही है, ईव टीजिंग हो रही है, मर्डर्स वगैरह हो रहे हैं, जिस पे कोई रोक भी नहीं है और कोई सुनवाई भी नहीं है, ना यहाँ हमारे शहरों में सीसीटीवी है। आज गुड़गांव जैसे शहर में भी इतने एरियाज हैं जो डार्क एरियाज हैं, जहाँ स्ट्रीट में महिला तो छोड़ो पुरुष भी सेफ नहीं है। कल परसों मैं पढ़ रही थी कि G20 में पुलिसमैन एक आ रहा था वापस गुड़गांव अपनी ड्यूटी करके, और रात को गुंडों ने उसको ही रोक के उनकी ही गाड़ी लूट ली। तो जिस प्रदेश में पुलिसमैन खुद सुरक्षित नहीं है, पुलिसमैन अपनी गाड़ी की सुरक्षा नहीं कर सकता, उस प्रदेश में महिलाएं क्या सुरक्षित होंगी, एक आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकता है। एक नंबर शायद आपने बताया कि उस नंबर पर जो है मिस कॉल करके वो कैसे जनता जो है कैसे अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे, क्या है? देखिए, एक इस अभियान के तहत हमने एक नंबर जारी किया है 7650500880000। मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूँ, 7650088000। इस नंबर पे मिस कॉल देके लोग हमारी पार्टी से जुड़ सकते हैं और फिर उसके बाद हम उनसे संपर्क करेंगे। एक तो ये है। अच्छा, इसके बाद आपका प्रश्न था कि लोगों के बीच जाना, वो डॉक्टर सारिका ने बताया, हम परिवार जोड़ो अभियान हुआ या बिजली आंदोलन या फिर आगे वाले आगामी जो प्रोग्राम होंगे वो हमें जनता के बीच जाने हैं, जाना है, वो सब करना है। इसके साथ साथ मैं इसको एक किस्म का हमारे अपने कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं का इवेल्यूएशन, उनका परीक्षा के तौर पे भी देखता हूँ। मेरा मानना है कि हम एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी ना होकर एक स्टार्टअप पॉलिटिकल पार्टी है, जहाँ पे जिसको एक कॉरपोरेट के तरीके से भी चलाया जा रहा है। यहाँ पे तरीका क्या है, परफॉर्म और पेरिस, या तो आप परफॉर्म करो या फिर आप मतलब दूसरे को मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पैसे के बल पर हवाई नेता उतार दिए जाते हैं। नहीं, जो हमारे नेता, जो हमारे कार्यकर्ता जमीन पे जनता के साथ काम करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट होती है। ठीक है, एक जिस तरह कॉरपोरेट वर्ल्ड में कल्चर होता है, जो परफॉर्म करता है उसको अप्रेजल मिलता है, उसको प्रमोशन मिलता है, ऐसा ही हमारी पार्टी ने भी है। ये पार्टी कॉरपोरेट कल्चर से चल रही है। यहाँ पे जो जुड़ेगा, जो जनता से ज़्यादा जुड़ाव होगा, उनको टिकट मिलेगी, उनको प्रमोशन मिलेगी, उनको सब कुछ होगा। केवल पैसे के दम पे हवाई नेता आम आदमी पार्टी में नहीं होते। ये पार्टी आम आदमी की, आम जनता की है। पंजाब में लोगों ने देखा कि कैसे गरीब घरों से, लेकिन जिनका जनता के बीच जुड़ाव था, जो जनता के लिए काम कर रहे थे, ग्राउंड पे थे, वैसे लोग जो केवल कोई मोबाइल रिपेयर करने वाला या जो आर्थिक रूप से सक्षम इतने वो नहीं थे, समृद्ध नहीं थे, उन्होंने बहुत बड़े धनाढ्य लोगों को हराने का काम किया, बहुत एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिशियंस को हराने का काम किया। तो ये हमारी एक USP है, जनता के बीच रहना, जनता के काम। अच्छा, आपने लोगों को जो है जुड़ने की बातें कही। बीते दिनों 3 सितंबर को जो है एक बड़ा कार्यक्रम हुआ आपका हरियाणा के भिवानी में, क्या वो भी इसका हिस्सा था क्या, धनराजन से वहाँ भी लोग क्योंकि बड़ी मात्रा में जुड़ रहे थे? देखिए, वो हमारे शपथ ग्रहण प्रोग्राम था, वो पब्लिक रैली नहीं थी। हमारे कार्यकर्ता गठबंधन, हमारे जो संगठन है उनके लोगों का प्रोग्राम था, और वो हमने बहुत छोटे नोटिस पे बहुत बड़ा प्रोग्राम करके दिखाया था, जबकि बड़ी बड़ी एस्टेब्लिश सबसे ग्रैंड पार्टी और उनको इस टाइप के प्रोग्राम करने में बहुत टाइम लग जाता है, वो लोगों को लालच देते हैं और वो सब करते हैं। इसमें हमारे दोनों माननीय मुख्यमंत्रियों जियों ने
अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने बताया कि कैसे पंजाब में काम हो रहे हैं, कैसे दिल्ली में काम हो रहे हैं, और उन सब चीज़ों को लेके हमें कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाना है, उनके मैसेज को घर घर तक पहुंचाना है। उसी दिन हमने परिवार जोड़ो अभियान की लॉन्चिंग या शुरुआत भी की थी और हमें गाइडेंस दी गई थी कि कैसे क्या किया जाए। अच्छा, देखिए, आपका दावा है कि दिल्ली और पंजाब में महिलाओं की सुविधा बहुत अच्छी है, शिक्षा बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य बहुत अच्छी है, तो डॉक्टर सारिका, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हरियाणा में अगर आपकी सरकार आती है तो वो क्या क्या सी चीज़ें होंगी जो आप पार्टी जनता के लिए करेगी? सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी मैनिफेस्टो लाना बंद कर चुकी है, अब हम गारंटी देते हैं। अरविंद केजरीवाल की गारंटी रहती है कि हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, हर घर को पानी 20,000 लीटर फ्री मिलेगा, हर इंसान को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर गरीब से गरीब के बच्चे को प्राइवेट स्कूल से बेटर शिक्षा मिलेगी। हम अपने प्राइवेट सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा कर देंगे कि आपको प्राइवेट स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर मोहल्ले में क्लिनिक होगा, हर इंसान को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे हो, ऊपर हो, सभी को टेस्ट मिलेंगे फ्री, सभी को इलाज मुफ्त मिलेगा। सरकार आपकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखेगी, महिलाओं को बस सर्विस फ्री मिलेगी। हम एयर पोल्यूशन पे काम करेंगे, हम पेड़ों को इंक्रीज करेंगे। आपको पता होना चाहिए दिल्ली में हर साल लाखों पेड़ लग रहे हैं, हजारों श्रब्स लग रहे हैं, इसी की वजह से दिल्ली में प्रदूषण भी कम हुआ है। हम वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करेंगे, सड़कों पे काम करेंगे, जो बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसिंग है गुड़गांव में और हरियाणा में, इन सभी पे काम करेंगे और आप बदलाव कुछ महीनों के अंदर देख पाएंगे। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी बातें करी, आपने हमारी जनता को सब कुछ बताया, जो जो परिवार जोड़ो अभियान के तहत चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों, थैंक यू। तो जिन लोगों को अभी आपने देखा, जो नेतागण हमारे साथ मौजूद थे, ये जल्द ही आपके घरों में दिखने वाले, आपसे बातें करने वाले हैं परिवार जुड़ो अभियान के तहत। फिलहाल अभी इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें द ग्राउंड न्यूज़ के साथ। नमस्कार।